नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि कल भी हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था, तो बेसिकली मार्केट ने आज उसको फॉलो किया और यहाँ पे मार्केट जो है एक फ्लैट जोन में ओपन हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट रेड जोन में चली गई और पूरा दिन मार्केट रेड जोन में या फ्लैट जोन में ही ट्रेड करती रही। दोस्तों, जब मार्केट शुरुआत में नीचे गई पहले 5-6 मिनट, तो उस समय ऐसा लगा कि बीयर्स जो है मार्केट का पूरा कंट्रोल ले लेंगे और मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे। तो शुरू के 5-6 मिनट में तो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था, लेकिन दोस्तों उसके 15 मिनट के अंदर हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो इंट्राडे का था वो पॉजिटिव हो गया और हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था वो 20,880 था। तो 9:21 पे मैंने ये अपडेट शेयर किया था, वहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट 20,886 था, मनी फ्लो नेगेटिव था। वहाँ से मार्केट 30 पॉइंट से ज़्यादा नीचे की तरफ गई, लेकिन वापस फिर मार्केट न्यूट्रल पॉइंट पे आ गई और 15 मिनट के अंदर मार्केट का मिजाज जो है वो बदल गया, मार्केट का मूड जो है वो बदल गया और यहाँ पे जो हमारा नया न्यूट्रल पॉइंट था वो 20,880 था और मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो मार्केट ने इंट्राडे मनी फ्लो को भी आज फॉलो किया, मार्केट न्यूट्रल पॉइंट से लगभग 55 पॉइंट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद मार्केट पूरा दिन जो है एक नैरो रेंज के अंदर जो है ट्रेड करती रही, कंसोलिडेट होती रही और मार्केट वापस फिर से एक बार यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट को टेस्ट करने गई, लेकिन फाइनली मार्केट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट से लगभग 30-35 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोज हुई। तो मार्केट ने सभी रूल्स को फॉलो किया, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर जो है कंसोलिडेशन देखने को मिली। न्यूट्रल पॉइंट को बड़ी कैंडल से ब्रेक किया जाता है, यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की गई, फिर रेड कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की गई और यहाँ पे फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल की सहायता से यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। तो दोस्तों, आज का दिन जो था वहाँ पे बुल्स और बियर्स दोनों मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप जो हमारे रूल्स हैं, जो मनी फ्लो के रूल्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप काम करेंगे या उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस खुद करेंगे, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी मार्केट के दौरान कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट चेंज होता है, जहाँ पे मार्केट का मूड चेंज होता है। तो आज ऐसा ही दिन था जहाँ पे शुरुआत में 5-6 मिनट के दौरान ऐसा लगा कि बियर्स जो है मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत इजीली और बहुत जल्द ही गिव अप कर दिया। अगले 15 मिनट में उन्होंने गिव अप कर दिया और वहाँ पे फिर से बुल्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया। तो इवन दो मार्केट कल की क्लोजिंग से तो रेड जोन में ट्रेड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत के मूव के बाद, पहले 4-5 मिनट के मूव के बाद यहाँ पे जब हमें संकेत मिलता है मनी फ्लो का, उसके बाद जो है वो बुल्स यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन रूल भी बनाया, तो कंसोलिडेशन रूल नंबर 7 है हमारे मनी फ्लो के रूल्स के अंदर, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि मार्केट जो कंसोलिडेशन के बाद का मूव होता है, मतलब कंसोलिडेशन के बाद एक स्टॉप लॉस हंटिंग होती है छोटी सी, उसके बाद एक बड़ा मूव आता है जिसकी संभावना होती है, तो उम्मीद है कि मार्केट उस मूव को कल शायद कंप्लीट करे। मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी प्रिडिक्टेबल एज सच नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पर मार्केट जो है रूल्स को ज़्यादातर समय फॉलो ज़रूर करती है। तो उम्मीद है कि मार्केट कल कंसोलिडेशन रूल को फॉलो करेगी, जो आज एक कंसोलिडेशन हुई उसके बाद का जो मूव है वो बेसिकली हो सकता है कि कल उसको कंप्लीट किया जाए और अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसको मैं इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर
कर दूंगा। दोस्तों अगर हम कैश मनी फ्लो की बात करें, FIIs ने यहाँ पे कैश में सेलिंग करी, DIIs की कोई एक्टिविटी नहीं है। कंट्रीब्यूशन में ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में भी कोई हैवी वेट नहीं था, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में भी कोई हैवी वेट नहीं था। हैवी वेट्स जो थे आज वो एक न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड कर रहे थे और कैश का मनी फ्लो क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस का मनी फ्लो भी पॉजिटिव था और फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो भी पॉजिटिव था, जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बड़ी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो मार्केट जो है, जिसको कह लीजिए कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट जोन में क्लोज हुई है। यहाँ पे क्लोजिंग नंबर तो अलग तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन 3:30 पे मार्केट 20,915 के आसपास थी। तो बेसिकली 30 पॉइंट की जो रेंज होती है क्लोजिंग से, उसको हम एक न्यूट्रल जोन मानते हैं। तो बेसिकली मार्केट एक न्यूट्रल जोन में क्लोज हुई और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसा कि मनी फ्लो भी हमें उसका संकेत दे रहा है। तो अगर हम समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था, सरफेस मनी फ्लो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बात करें, कैश का मनी फ्लो जो था वो नेगेटिव था, 1500 करोड़ की सेलिंग की गई। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल था। तो FIIs यहाँ पे एक, जिसको कह लीजिए कि अभी उनका कोई ओपिनियन है सच नहीं है मार्केट के प्रति, और वीकली एक्सपायरी की पोजीशंस कल बनने की संभावना है ऑप्शंस में। तो कल हम देखेंगे FIIs क्या पोजीशंस बनाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स हैं जो FIIs के, वो एक न्यूट्रल संकेत दे रहे हैं। ऊपर जाने की भी कोई मेजॉरिटी नहीं है, ना नीचे जाने की। तो एक डेटा पॉइंट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, एक वीकनेस की तरफ, एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे FIIs का ओपिनियन न्यूट्रल है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया। उम्मीद है कि मार्केट कल अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।